टॉप 3 न्यू थीम के एपिसोड में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों थीम आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि इन सभी के अंदर काफी अच्छा खासा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक लेटेस्ट थीम यूज कर रहा हूँ जिसके विजार्ड्स कुछ इस टाइप से आपको नजर आता है और इस पे काफी अच्छा खासा एनिमेशन भी हमें देखने को मिलता है। जो आइकन पैक है ये भी बिल्कुल ही नए लुक पे है और इस थीम को अप्लाई करने के बाद आप फोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो सबके ऊपर ये अप्लाई होता है तो ऑड वाली फीलिंग आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे डायल पैड के फॉन्ट चेंज हो चुके हैं और डायलर का कलर भी चेंज है। सेटिंग के अंदर आते हैं तो पूरा सेटिंग का जो यूजर इंटरफेस है ये चेंज हो चुका है, नया आइकन आपको देखने को मिलता है और इधर डॉट डॉट नज़र आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया है ये भी कुछ इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी हल्का फुल्का नोटिफिकेशन नज़र आ जाता है। साथ साथ लॉक स्क्रीन पे कुछ एक्स्ट्रा विजार्ड्स देखने को मिलते हैं, क्लॉक फॉर्मेट वगैरह, और इधर स्लाइड करने पे कुछ और एक्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि डायलर है, मैसेजिंग है, कैमरा वगैरह आपको दिखाई देता है तो आप इसे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन रहेगा, इन तीनों थीम को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपका जो थीम का स्टोर है उसका लैंग्वेज चाइना में होना चाहिए। अगर आपका थीम का स्टोर का लैंग्वेज चाइना में नहीं है तो आप इन थीम को डाउनलोड नहीं कर पाओगे क्योंकि आज का जो टॉप 3 थीम है ये ओनली ऑन चाइना थीम स्टोर पर ही काम करेगा। आप कोई सा भी MIUI का रोम क्यों नहीं डाल रखे हो, बस आपके थीम का जो लैंग्वेज है वो चाइना में होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली इसे डाउनलोड कर पाओगे। ऑल डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सेकंड थीम की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके और आप उसका बेनिफिट ले पाओ। साथ साथ अगर आप टेलीग्राम के यूजर्स हो तो यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आपके काफ़ी काम भी आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस थीम की ओर जहाँ पे आपको देखने को मिलता है काफ़ी अमेजिंग से आइकन पैक जो कि हर एक ऐप के ऊपर अप्लाई होता है तो यहाँ पे भी आपको और टाइप का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो एनिमेशंस और जो डिज़ाइन यहाँ पे वॉलपेपर है मुझे रियल में काफ़ी अच्छा लगा है और इस पर भी आपको विजर्ट्स देखने को मिलता है क्लॉक का और वेदर का। साथ साथ यहाँ पे आते हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन एरिया है ये कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है जो कि आई थिंक आपको पसंद आएगा। साथ साथ यहाँ पे डायल पैड कुछ नए लुक में नज़र आता है और बैकग्राउंड सेम वॉलपेपर नज़र आता है। सेटिंग के अंदर कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलता है जहाँ पे वॉलपेपर चेंज हो चुका है और सेटिंग के आइकन वगैरह भी चेंज हो चुके हैं और कुछ नेबार इस तरीके से बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन पे कई सारे आपको विजर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि आईफोन के थीम जैसा काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है और यहाँ पे भी और शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं और फ्लैश लाइट का भी आइकन नज़र आता है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है, अगर हम चार्जिंग पे डालते तो यहीं पे आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा बैटरी वगैरह का जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और इसे भी डाउनलोड करने के लिए आपका जो थीम स्टोर है वो भी चाइना का ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इस थीम को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और इसके लॉक स्क्रीन पे कुछ एक्स्ट्रा और कस्टमाइजेशन मिलता है, अगर हम इसके आइकन पे टैप करते हैं यहाँ पे जो राउंड है तो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बस यहाँ पे फिलहाल एक्सेस नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका। तो इस पे जो भी क्लॉक फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, बस सेलेक्ट करना है और ओके पे टैप कर देना है। फिर से चेंज करने के लिए यहाँ पे आना है, चेंज पे आना है और ओके पे टैप करना है। अगेन यहाँ पे होम स्क्रीन का लुक देखने को मिलता है जो कि हमारे होम स्क्रीन का है जहाँ पे हम अनलॉक करते हैं तो उसका भी क्लॉक फॉर्मेट इस थीम के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं और अच्छा खासा आपको लुक देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लॉक का फॉर्मेट है ये भी चेंज हो चुका है। लास्ट थीम है ये, मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा सिंपल लुक दिखाई देता है और इसके मैक्सिमम ऐप पे एनिमेशन नज़र आते हैं जैसे कि आप देख सकते हो म्यूजिक प्लेयर, वेदर और यहाँ पे गैलरी वगैरह, तो इस पे कुछ इस तरीके से एनिमेशन आता है और ये हर एक ऐप के ऊपर अप्लाई होता है तो कहीं पे भी बेकार सा फील नहीं आता है। और जो यहाँ पे क्लॉक यूज किया गया है, फॉन्ट वगैरह, जो कलर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आइकन पैक भी काफ़ी अच्छा है और वॉलपेपर भी काफ़ी ज़्यादा सही है। साथ साथ यहाँ पे डायल पैड में अलग सा मॉडिफिकेशन दिखाई देता है जो कि काफ़ी यूनिक सा बनाता है। अगर हम इसके सेटिंग कर इन करते हैं जो कि हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी सेटिंग के अंदर नए आइकन आपको नज़र आते हैं MIUI 12 के और अलग अलग कैटेगरी भी देखने को मिलता है, तो ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा सही लगा। साथ साथ नोटिफिकेशन का जो एरिया है ये आपको सिंपल देखने को मिलता है और कंट्रोल सेंटर सभी के ऊपर आपको सिंपल ही नज़र आएगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो कुछ इस तरीके से क्लॉक फॉर्मेट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप अपने क्लॉक का जो फॉर्मेट है उसे बदल सकते हो। और चार्जिंग एनिमेशन का भी आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन नज़र आता है। यहाँ पे लेफ्ट राइट में किस तरीके से आपको लुक चाहिए वो भी आप यहाँ पे बदल सकते हो अपने लॉक स्क्रीन का, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लुक देखने को मिलता है। अगर इसे बदलना है तो फिर से इस पर टैप करना है, यहाँ पे आना है, इस पर टैप करके ओके कर देना है, आपको अब इस तरीके से लुक देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन का। तो ये थीम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन आपको देखने को मिलता है
चाहे वो लॉक स्क्रीन के लिए हो या फिर हमारे होम स्क्रीन के लिए हो। आपको ये थीम कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या आप इसे डाउनलोड करने वाले हो या नहीं, या फिर आपका जो थीम स्टोर है वो चाइना लैंग्वेज में है या फिर नहीं, ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं जल्दी ग्लोबल के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा ताकि सभी लोग उसका यूज कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।